दोस्तों नमस्कार। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल का आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू। घर की पूरी परिवार अच्छा पेट भरता था और हमारी पढ़ाई भी हुई, लेकिन आज किसान सबसे ज्यादा भूखा मर रहा है। उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। कारण सिर्फ इतना सा है कि उसने अपनी जड़ें छोड़ दी हैं और उसके लिए जिम्मेवार हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या जरूरी होता है ज्ञान। आपकी कंपनी के साथ मुझे जुड़े हुए भी बहुत थोड़ा ही समय हुआ है, लेकिन जो चीज मैंने इसमें जो सबसे अच्छी देखी वो एक कहूंगा, दूसरी कोई बात नहीं कहूंगा। इनकी ट्रेनिंग्स इतनी विग्रस हैं, इतनी ज्यादा हैं कि जो भी आदमी इसमें जुड़ता है मुझे नहीं लगता वो उस क्षेत्र के अंदर मार खा पाए जिसके अंदर वो कदम रख चुका है। आपके पास जितने भी आज प्रोडक्ट हम बात करेंगे, जितने भी चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, वो 100% रिटर्न की बात करूंगा बिना किसी भी जहर के है। हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई जहर नहीं है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। और ये हम नहीं कह रहे, आप बायोसर्ट की सर्टिफिकेशन जो वर्ल्ड ओवर होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सर्टिफिकेशन है आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जो 100% ऑर्गेनिक है। और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए। लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज जिसका मोबाइल बजे वो मोबाइल यहां हैंडओवर कर दीजिए 500 रुपए के साथ। मैं सीरियस हूं, क्योंकि अगर मेरी तंद्रा टूटेगी तो मेरा काम पे विघ्न होगा। और कितने लोग यहां बैठे हुए हैं, 225 की बात बोली थी, एक आदमी के कारण 224 लोगों का मैं नुकसान नहीं होने दूंगा। इसलिए प्लीज अपने मोबाइल को या तो एरोप्लेन मोड पे कर दीजिए या बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोगों का काम छूट जाएगा उसके बगैर। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं इसमें कोई जहर नहीं है। इनके अंदर है क्या? मिर्च का तेल, अरंडी का तेल, क्यूमिन का तेल, दालचीनी का तेल, प्याज का तेल, ये सब तेलों पे आधारित है। जिसको डिटेल चाहिए इसमें कौन से ऑयल्स हैं, तो मुझसे अलग से बात कर लीजिएगा, मैं उसका प्रिंटआउट आपको दे दूंगा। जीरा, माफ करना गलती होगी, मेरा स्मारका के अंदर रिसर्च चल रही थी। मैं शुरू शुरू में जब आया तो 23-24 साल का था उन दिनों में, तो स्मारका और एक जगह और यहाँ हरी मिर्च बहुत लगा करती थी उन दिनों में। मैं बात कर रहा हूँ 81-82 की। तो मैंने किसान से पूछा, भाई मिर्च से पहले क्या लगाते थे, जैसे आपकी मेरी बात हुई ना उसी पे। तो बोला जी हम तो जीनी लाते थे। मैंने कहा खड़ी जीनी क्या हो गई? बहुत परेशान, पानीपत में मैं रुका हुआ था जिनके घर, उनसे मैंने पूछा बहन जी ये जीनी क्या होती है? बोले तेरे तू पढ़ के आया है तुझे? मैंने कहा मैं एमएससी कर रहा हूँ एग्रीकल्चर में। अरे तेरे को पता ही नहीं जीनी क्या होती है? नहीं जी, चावल को कहते हैं। तो क्यूमिन जो है वो अंग्रेजी भाषा होगी, गलती होगी, मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही रहूं। आपके किसी प्रोडक्ट में आपको जहर नहीं मिलेगा, नंबर वन। 24 घंटे में आपको हर एक प्रोडक्ट काम करता हुआ मिलेगा, 24 घंटे के बाद। कोई भी कीड़ा जो हमारा प्रोडक्ट खा लेगा वो आपको जिंदा नहीं मिलेगा। मेरे शब्दों को ध्यान दे दीजिए, 24 घंटे में जो कीड़ा खाएगा, जो भी खाएगा वो बच नहीं सकता। हमारा काम करने का ढंग क्या है, कीड़े को खत्म करने का ढंग क्या है, जैसे ही ये ऑयल उसके अंदर जाते हैं उसके जो टॉन्सिल्स हैं हम उनको फुला देते हैं, क्योंकि हम लोग ऑयल्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, कीड़े नहीं कर सकते। मेरे साथ के बैठे हुए जूनियर मेरे,
ये मेरी बात को बाद में बताएंगे, उनसे सुला देते हैं। नंबर सेकंड, हम उनको ब्रेन स्ट्रोक करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग टोटली बंद कर देते हैं। ब्रेन फंक्शन खत्म, टॉन्सिल्स हो गए, उसने खाना पीना तो उसी टाइम बंद कर दिया। थर्ड होता है उसको पैरालिसिस, आप चेक कर लीजिएगा खेत में। फोर्थ में हम उसके अंदर CAA प्लस निकाल देते हैं, डिहाइड्रेशन कर देते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट जो है खाने के बाद स्टमक के अंदर जाके, पेट में जाके कार्य आरंभ करता है, और 100% गारंटी की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरे अपने ट्रायल लगाए हुए हैं, 100% मॉर्टेलिटी है। लेकिन शर्त यह है कि वो प्रोडक्ट पेट में जाना चाहिए, जिस टच से नहीं होगा, किसी को अगर ये छू जाएगा ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन अंदर जाना चाहिए। अब इसके लिए आपको दो चीजों का फिर ध्यान रखना है। नंबर वन, स्प्रे पंप को स्प्रे कराने से पहले धुलवा लीजिए। उसका रीजन दे रहा हूं, उसका कारण बता रहा हूं कि सामने हो सकता है उससे 240 का स्प्रे किया हो और आप सब्जी में स्प्रे करा रहे हैं तो सब्जी गई। इसलिए एमआई के स्प्रे से इसको 1 ml 1 लीटर में डलवा के धुलवा दीजिए, ताकि अंदर अगर जरा भी रेजिड्यू है किसी भी वीडिसाइड का या चारा नाशक का या क्या कहते हैं आप लोग यहां गंध नाशक का, तो वो अंदर से निकलवाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो नोजल है जहां से फुहार निकलती है, जहां से पानी निकलता है, वो बहुत बढ़िया होनी चाहिए। आज हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, 6 से 8 होल्स वाली नोजल यूज कर रहे हैं, उसमें प्रेशर भी नहीं बनता, उसमें से हम केवल पानी फेंकते हैं। कोशिश ये करिए कि वो सिंगल नोजल ले, या ट्रैक्टर वाले पंप से स्प्रे करे या इंजन वाले से करे, ताकि फुहार निकले। फुहार ही पत्ते पे आपकी दवाई को रोकेगी। और जहां ये पड़ गया, किसी भी कीट ने इसको खा लिया, 24 घंटे के बाद वो बचेगा नहीं। तो हमारे स्टेप्स क्या हैं? क्या हम किसी को जबरदस्ती मारते हैं? हम सिर्फ बुला के पंजाब वालों हरियाणा वालों की तरीके से काम करते हैं, भाई आ जा खा के मत। मैंने पूरा हिंदुस्तान घूम लिया पूरा, इतनी सेवा किसी जगह नहीं होती जितनी हरियाणा और पंजाब में किया। मैं आपको सच बता रहा हूं, कल मैं यूपी में था, परसों मैं राजस्थान में था, राजस्थान में उन्होंने लस्सी पिलाई मेरे को। मैंने कहा 6 फुट का 2 6 फुट 2 इंच का आदमी, यार लस्सी दो तो लस्सी तो दो यार, आप लगभग 200 ml की लस्सी होगी। मैंने कहा यार मत लाओ इसको, गिलास है बड़ा तो या गड्डी में डाल के दे दो, तो दो लस्सी, ये क्या मजाक कर रहे हो? अब मैं 3 पीऊंगा तो तुम हंसोगे, ऊपर सलाद खाता कितना। और हमारे यहां क्या देंगे, हमारे एमपी वाले से बस, ओ यार सर हम तो गए आपके पानी, उन्होंने इतना बड़ा लस्सी का गिलास दे दिया, हमसे पिया ही नहीं गया। तो ये जो खिला खिला के मारने वाली प्रवृत्ति है, ये हरियाणा पंजाब की, और यही आपके प्रोडक्ट्स में है। ये गारंटी से काम करते हैं, लेकिन खाने के बाद अगर ये अंदर नहीं जाएंगे ये काम नहीं करेंगे। डॉक्टर साहब ये स्टमक पॉइजन है, बट देयर नॉट पॉइजन बेसिकली, क्योंकि इसमें हमारे पास कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो हम उसको पॉइजन कह सके। और सब किसान भाई है जो भी बैठे हुए यहां, अपने किसी प्रोडक्ट को पी के मरने की कोशिश मत करना। आप में से कोई भी सुसाइड नहीं कर सकता इन प्रोडक्ट से। मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं, बिल्कुल सीरियस हूं। आप 250 ml पी लो या 1 लीटर पी लो, आपके साथ सिर्फ 3 काम होंगे। 1, या तो आपको उल्टियां आ जाएंगी। नंबर 2, हो सकता है आपको लूज मोशन हो जाए। नंबर 3, हो सकता है कि आप कई घंटों के लिए सो जाए, और उसके बाद जो बेइज्जती होगी मैं बिल्कुल सच बता रहा हूं सर, आप ट्राई कर लीजिए। क्योंकि हमने जब इसको लगाया तो हम लोग खुद भी पी के देख रहे थे, इसके एंटीडोज निकाल नहीं पा रहे थे हम लोग, तो हमने जब सारे कॉन्स्टिट्यूट देखे इसमें है क्या। डॉक्टर साहब मैं आपको पूरा दे दूंगा कि किस प्रोडक्ट में अपने क्या है। मेरे जाने के बाद आप अपनी टीम को एजुकेट करिएगा। बिल्कुल।
आपका नाम बता दो एक बार। डॉक्टर प्रमोद महाजन। डॉक्टर प्रमोद, डॉक्टर प्रमोद आप मेरे जाने के बाद मेरा बीड़ा उठा लीजिए, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहता हूँ हरियाणा पंजाब के अंदर से जहर खत्म हो जाए। मेरी लास्ट कंपनी थी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड, जिसमें मैं जोनल मैनेजर था। उनके पास मात्र पूरे भारत के अंदर 3700 डीलर थे, 3700 डीलर, और टर्नओवर था उनका 2200 करोड़ रुपए, और हमारे पास यहां इस वक्त 200 से सवा 200 डीलर बैठे हुए हैं। तो हमारा टर्नओवर कहां जा सकता है अगर प्रोडक्ट जैसे मैं क्लेम कर रहा हूं, जिसके ऊपर मैं कह रहा हूं वैसे ही है, तो आप क्या कर सकते हो ये आप जानो। अपने सारे प्रोडक्ट आपकी सेहत के लिए 100% लाभदायक हैं। उस समय पहले तक एक मैं भी जनरल बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट्स पे आऊंगा, मैं 3 घंटे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेकिन यह चीज आपको समझनी जरूरी है, प्रस्तावना इंट्रोडक्शन जरूरी है, बता रहा हूं इसलिए। उस समय पहले तक भारत सरकार हर प्रोडक्ट को अलाउ करती थी, अभी हम लोगों ने गजट आया है उसको 19 प्रोडक्ट बैन कर दिए हैं, जो हम भारत में बेच नहीं सकते। उनमें से सबसे खतरनाक जो है दो थे, 4810G और मोनोप्रोटोफास, दोनों ऑर्गेनोफॉस्फेट ग्रुप के हैं, और इसको खाने के बाद आपके बचने का कोई तरीका नहीं। अब हमारे यहां भारत में पुरातत्व से लेकिन अभी तक सांप की पूजा होती है, एक दिन तो करते ही हैं, बाकी दिन लट लेके मारते हैं। मैं लट कर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आज कितने किसान कितने हैं यहां पे, एक हाथ खड़ा करें भाइयों, आपको किसी को अपने खेत में सांप मिलता है? नो। और चूहे कितने हैं? मैं उत्तराखंड में, मेरा गांव है कुंवरपुर सिसैया सितारगंज के पास, मैं इसलिए बता रहा ताकि ये मत सोचना कि मैं हमें गलत कर रहे हैं। मेरा अपना गांव है जहां 11.5 एकड़ जमीन है, मैं धान की खेती हमने लगाई हुई थी, रात भर के अंदर चूहों ने मेरा 1 एकड़ से पौना खेत खत्म कर दिया एक रात में, और किसकी बदौलत? 4810G। 4810G जहां पड़ जाती है चूहा वहां से गायब हो जाता है, लेकिन सांप नहीं जा पाता। सांप को अकल नहीं होती, चूहा मैमल्स में आता है और ये बुद्धिमान प्राणी है, और ये वहां से भाग जाता है, दोबारा आपके खेत में चूहा जहां पे आपने डाल दिया होगा, उसके एक चूहा मर गया तो वहां पे आपको दूसरा चूहा नहीं बता सकते। हमने सांप मार दिए 4-8 से, केचुए टोटल खत्म है, खेत के अंदर आपको कहीं भी अर्थवर्म नहीं मिलेगा, और केचुए के बगैर आपके खेत के अंदर एरिएशन नहीं हो सकता। हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं ये बैन प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान के अंदर करीब करीब 50,000 करोड़ रुपए का बिकता था, अब खत्म हो गया, पेस्टिसाइड इंडिया और सेना मिंडे दोनों ने प्रोडक्शन बंद कर दिया। इसके अंदर मात्र 3-7% आपको जहर मिलता था, कहीं 10% मिल रहा होता तो क्या होता, आपके पास वो प्रोडक्ट आ गया है जिससे इसको रिप्लेस कर सकते हैं और गारंटी से कर सकते हैं, जिसमें लौंग का तेल है, कैस्टर ऑयल है, आपको मैं सारी चीजें बता दूंगा। कहीं से भी आपको एक पैसे का नुकसान नहीं होगा, जमीन की उपजाऊ शक्ति कम नहीं होगी। हमारा कोई भी प्रोडक्ट फर्टिलाइजर को रिप्लेस नहीं कर रहा, खाद को रिप्लेस करने के लिए नहीं है। अपने सारे प्रोडक्ट्स 3 पैकिंग में हैं, 100 ml, 2 किलो और 250 ml, ये सब 1 एकड़ के लिए हैं, सिवाय 2 किलो वाला, वो 2 किलो से 6 किलो तक पड़ता है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? मुझे ये बता दीजिए, मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रेस कहे पे लिया, सबसे ज्यादा जोर कहे पे लिया है, स्प्रे पंप का धुलना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर में चाय बनानी हो, गंदा बर्तन में कोई चाय बनाता है?
धो के डर बनाते हैं। स्प्रे पंप को धोना सबसे आवश्यक है, ऐसा ना हो कि आप अपनी दवाई करवाओ और स्प्रे पंप के अंदर कहीं पे कोई भी 2,4-D पड़ी हो, आप दूसरे का खेत तबाह कर दोगे, बात आप पे आएगी और किसान कभी अपनी गलती नहीं मानेगा। सर ये क्या जमीन में काम करता है? इसमें क्लोरोबिजर जो भी मैं आऊंगा आप मैं जब ये खत्म जब प्रोडक्ट्स के ऊपर आऊंगा तब ये सारी चीजें क्लियर करूंगा आपको, तब प्रोडक्ट वाइज मुझसे डिस्कस करिए, जो मैंने अभी डिस्कस किया है उस पर आप मुझसे बात अभी कर सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट किसी भी कीट को कब खत्म करते हैं ये बताओ? वेरी गुड, खालेगा। फिर क्या होगा? टॉन्सल्स, प्लीज नोट कीजिएगा, पैरालिसिस बाद में आता है, नंबर वन टॉन्सल्स। टॉन्सल्स जहां उसने खाया टॉन्सल्स बड़े हुए उसके बाद वो खाना बंद कर देता है। नंबर दो ब्रेन डैमेज, ब्रेन हैमरेज होने के बाद क्या होता है, उसको कोई संज्ञा शून्य हो जाता है, उसको पता ही नहीं लगता मेरे साथ हो क्या रहा है, वो नशेड़ी हो जाता है, बाएं हाथ की जाना है तो जाएगा दाएं हाथ की तरफ, उसको अपने बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो क्या उसको पेन हो रहा है उस समय क्योंकि दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, क्या उसको पेन होगा? नंबर थर्ड क्या होगा? पैरालिसिस, जो जहां बैठा हुआ है कीट वो वही रह जाएगा। और चौथा स्टेप डिहाइड्रेशन, हम उसके अंदर एक CAA कैल्शियम प्लस प्लस होता है वो बाहर निकाल देते हैं और वो कीड़ा वहीं चिपक के रह जाता है। और अगर नीचे गिर गया तो मान लीजिए अपने यहां के मुर्गों ने या मोर ने या किसी पक्षी ने उस कीट को खाया तो उसको कुछ होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। और हमारे सारे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को छोड़ दीजिए, सारे 12 से 15 दिन के बाद खत्म होने शुरू हो जाते हैं, डीजनरेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि ऑयल है ना, ज्यादा तेज धूप के अंदर इनका 8 से 12 दिन में विघटन हो जाता है, और जैसे अब सर्दी का दिन है तो ये 15 से 20 दिन तक काम करते हैं। प्लीज एक बार ताड़ियां बजा दीजिए।